जी चाचू, किधर जा रहे हैं अब हम? जी अब आप इनर कोट एरिया की तरफ जा रहे हैं। इनर कोट एरिया कितना दूर है यहाँ से? ये बिल्कुल आपके जो मज़ार के करीब है, और ये दाखिले का दरवाज़ा है शाह चांद वली सरकार के नाम से। ये बुखारी सैयद हैं। अच्छा, और जिनकी बड़ी खिदमात है 1541 में। क्या बात है, हमारी खाना और पानी तकसीम करते रहे और बगैर पैसों के काम। हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं माशाल्लाह। आप भी बुखारी सैयद हैं? बुखारी। और जमीर हुसैन जाफरी गुजरे हैं पाकिस्तान के, जी जी, जिनका मज़ार मंदरा में। क्या बात, उनके गांव का नाम अब्दुल खालिक है। अब्दुल खालिक के ये बेटे हैं, दीना से मंगला, मंगला से दीना जाए तो अब्दुल खालिक इनके वालिद का। वाह जी वाह। एंट्री से पहले उसके एक मिनट करें गेट को, बाद में करेंगे, पहले आप इनको कर। वो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, पहले आप गेट को विजिट कर लेना, इतने बार वो भी फारिग हो जाएंगे, वो अपना शुक्र बाद में एडिटिंग होके ऊपर आ जाएगा। पहले बल्ले बल्ले आज माशाल्लाह कलाम पढ़ रहे थे, सोचा आपको भी सुनाया जाए। क्या बात, बहुत खूबसूरत आवाज़। ये जी शाह चांद वली का मज़ार बुखारी सैयद है, इनकी बड़ी खिदमात है। क्या 1541 में इन्होंने लेबर को खाना और पानी तकसीम किया अपनी टीम के साथ, और जब पैसे लेने की बारी है कहा इनकार कर दिया, मैं पैसे नहीं चाहिए, हमने फीस भी ले लाला की रजा की खातिर काम किया। शेर शाह सूरी के बेटे ने कहा नहीं बाबा जी, ये आपका अवार्ड नहीं है, और रिक्वेस्ट की कि मैं अगर फोत हो जो मुझे याद रख, ये मेरा है। उन्होंने कहा नहीं, जब इस गेट को मुकम्मल किया, वो गेट तो बाप ने मुकम्मल किया शेर शाह, जब शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने ये गेट मुकम्मल किया तो उसका नाम उन्होंने बाबा जी के नाम से शाह चांद वली गेट। क्या बात, क्या बात। यानी कि इनर कोर्ट का दाखिले का दरवाज़ा शाह चांद वली सरकार के नाम। वाह जी, बहुत आला, अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आप किस तरफ जा रहे हैं चाचा जी? इनर कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं। ठीक, चल। अच्छा चल, वो क्या पुरानी माल दिखाएंगे ना साथ साथ, जैसे जैसे दिखाएंगे करीब से दूर से, उसका वो हवेली मान सिंह है, रानी कुमारी, ये पॉइंट है इस तरफ से, और ये रानी माल, जहाँ से आपको रानी माल नजर आए, ये डायरेक्शन राजा मान सिंह, अकबर का सिपा सलार और अकबर का साला, जो तो अकबर ड्रामा भी है फिल्म, ये मुगल आर्ट है, और दोनों को मुतालिक बता दें, ये मियां बीवी नहीं है, बहन भाई, जोधा के भाई का, जोधा की बहन का, अकबर के साले मतलब, हाँ अकबर का साला और साली। 1585 ये मुगल आर्ट है, ये मुगल आर्ट है, 1541 का है ये, 1585 ये हमारे के दौर के हैं, अकबर के दौर। शेर शाह सूरी की जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो मुगल से पहली कंस्ट्रक्शन है, मुगल ने बेसिकली जो उसकी पहचान रख ली।
फेवर का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ कलर उतास और मुगल कंस्ट्रक्शन स्मॉल ब्रिक्स की छोटी टाइप। ये इनकी बड़ी निशान है। क्या बात, याद रखना नेक्स्ट टाइम आपने एज टूर गाइड बताना सबको नेक्स्ट टाइम जब आए। दोबारा आना चाहोगे? जरूर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही है तो मुझे पता है कि इधर आए नई तामीर जिसको बनाने में चढ़ मर हो गया, किरदार अदा किया हुआ। खर्चा किससे करवाया? आयल कंपनी शेल से, ओल्ड ओल्ड न्यू 2003 की बात कर। आते जाएं अंदर दाखिल होते हैं। नई तामीर देखें 2003 वाले, ये नई तामीर इस वक्त दे रहे हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन 2003 स्पॉन्सरशिप बाय द आयल कंपनी शेल। 2005 के जलजले में ना सिर्फ पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर मुतासर हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये दीवार डैमेज, ठीक है, 2005 के जलजले। अब आते हैं कि इसकी डिजाइनिंग की तरफ। इस पे खड़ा है आर्च डार्ट पे, ठीक है, नॉट यूज्ड बाय द स्टील, नॉट यूज्ड बाय द कंक्रीट, नॉट यूज्ड बाय द स्टील, राइट, ओनली आर्च। वेरी ओल्ड हिस्ट्री इन आर्च, द इस्लामी कंट्री जब इराम मिस्र कंप्लीट था। वेरी ओल्ड हिस्ट्री, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये उनकी तरफ से आया है, मिस्र की तरफ से। आर्च की जो टेक्नोलॉजी आई हुई है उनकी तरफ से आई हुई है। और ये बने यहां बिजली वगैरह नहीं थी, चिराग लाइट थी इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ से दाखिल होते थे इनर कोर्ट शाही खानदान, राइट। चलो अब आप शाह चांद वाली गेट को ऊपर से दिखा रहे हैं। ये जी वो रास्ता है जिसको यूज करके छत पे जाया जा सकता है। जी ऊपर की तो दीवार को देखने के लिए जा रहे हैं, सीढ़ियां इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ नई है कुछ पुरानी है। एंशियंट टच है, जबरदस्त भी वो आपको दिखाने लेकर आ रहे हैं। टूरिस्ट की ये देखें, यहाँ से ये बनाए, पीछे सोयल गेट आएगा और बड़ा जबरदस्त लोकेशन। ये आप मुलाहिज़ा करें नीचे, देखें कमाल। अच्छा इसको कमांडर अंदर उनकी कब्र की। अच्छा जी जी ये डिफेंस वॉल है, यहाँ से छोटी तोप रखकर फायर करते हैं, ठीक है, दुश्मन को देखने के लिए सेफ्टी, राइट। जब दुश्मन बाहर से सीढ़ी रस्सी ऊपर लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, गरम तेल गरम पानी करने के लिए, ये आर्मी की कमान कर रही है। यहाँ से तीर अंदर, तीर अंदर उल्टा पे आसन, ये नई तामीर है 2005 की, ठीक है, नई के गरीब। ओ ये पुराना है, केप कर दे आप। ये लालो को मैंने आपको बड़ी दीवार यहां से ऊपर से चढ़ के, तो इनर कोर्ट की जो बड़ी दीवार गिरी हुई नजदीक वाली आबादी दीने की दूसरी मीर पर चित्र ऊपर चले। ये देखिए जी, ये सामने कब्र मुबारक, आप दीवार में लायदा करें, और सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ शहर दीना। ये शहर दीना, सुभान अल्लाह। आप इस किले का बगौर मुशाहिदा करेंगे तो एक चीज़ आप पे वाजे होगी कि खूबसूरती तो इसकी बहरहाल मौजूद है, लेकिन इसको बनाने के एंड पे एक पर्सपेक्टिव था कि सिक्योरिटी के लिए बनाया गया किला है, बहुत खूबसूरत। सो फार सो गुड।
आपको बताते चले, 1997 में यूनेस्को ने इसको दर्जा दिया था नेशनल हेरिटेज का। आप देखें डाइवर्सिटी है टूरिस्ट की, ये इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आए हैं, इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको रोहतास कैसा लगा। Are you dressing? I'll ask some questions to you. Where you came from? Canada. And how you find this Rohtas Fort? It's amazing, yeah, but we've just seen only the beginning part, so. Okay, will you recommend the tourists to come here? Yeah, 100%, yeah. Okay. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah, thank you. Very nice to meet you. Yeah. Thank you. Yeah, it's great. See you guys. That's Liberace. You both look sisters. Sisters. Oh. No, actually, you took a picture of me with this in the background. Yes. The sun is there. Okay, so that. I'm not going to get too close, but yeah, I'll just take it. Thank you. But our dedication is out of here, inshallah. Zarur, inshallah. म्यूजिक मेरा दिल कर रहा था उसके साथ बैठ जाऊं, एक आधा शेर पढूं। हाँ, आप भी पढ़ो वो वापसी पे। हाँ, वापसी पे जाके ना, ये भी ये बुखारी साहब की आवाज भी बहुत प्यारी है। अच्छा, ये भी हमारे बुखारी साहब है। हाँ, बता। अच्छा, आप एक तस्वीर ऐसे करें। हाँ, आप आप माशाल्लाह। आमीन, बरकत दे, बरकत दे। 54 एज हो गई माशाल्लाह। और अभी यकीन माने, 2:25 पे एक अमेरिकन आई थी, उसको विजिट करा के फर्क हुआ, पानी पिया। अभी मैं बैठी था तो आप आ गए, उन्होंने कहा इनसे पूछ रहे यार। क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी, वो तो आपने नोट कर लिया। आगे एग्जीक्यूशन टावर, फांसी का अटैक है, ठीक है, खाना है और स्टोरेज है। अगला आपका पॉइंट स्टोरेज है, और इसके बाद जो आपको पॉइंट दिखाएंगे टिल्ला रेंज है, जिसकी हिंदू सिख मुसलमानों सबके लिए बड़ी अहम हिस्ट्री है।